सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से परेशान आम आदमी द्वारा कानून अपने हाथ में लेकर भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने वाले आइडिया पर इतनी फिल्में बनी हैं कि अब इनमें नया दिखाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। गब्बर इज बैक का भी यही विषय है। यह तमिल फिल्म का रीमेक है जो आज से 13 वर्ष पहले बनी थी। फिल्म शोले में विलेन का नाम गब्बर था, जिसका नाम सुनकर बच्चे सो जाते थे। गब्बर इज बैक में नाम विलेन का है पर काम हीरो वाला है। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले वरना गब्बर आ जाएगा। इस गब्बर से रिश्वत लेने वालों के हाथ कांपने लगते हैं और वे बिना पैसा खाए काम करने लगते हैं। हकीकत में ये संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह सुनने या पढ़ने में ये बातें अच्छी लगती है, इसी तरह स्क्रीन पर देखते समय भी अच्छी लगती है। आम आदमी जो कर नहीं पाता है वह हीरो को करते देख खुश हो जाता है। फिल्म महाराष्ट्र में सेट है। प्रदेश में भ्रष्ट लोगों का बोलबाला है। पुलिस को समोसे खाने से फुर्सत नहीं है। डॉक्टर्स मुर्दे का इलाज कर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। नेता जनसेवा का मतलब भूल गए हैं। अचानक गब्बर का नाम चारों ओर सुनाई देने लगता है। आप में से गब्बर कौन है? वह भ्रष्ट कर्मचारियों का किडनैप कर उन्हें अपने मुताबिक सजा देता है। जरूरत पड़े तो वह उनकी हत्या करने में भी नहीं हिचकता। गब्बर और उसके जैसी सोच रखने वाले लोग इस काम को अंजाम देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। फिल्म की कहानी A.R. मुरुगदास ने लिखी है। मूल कहानी के समानांतर कुछ ट्रैक चलते रहते हैं, जैसे आदित्य क्यों गब्बर बना। Who is this गब्बर? गब्बर is a good man. फिल्म में धीरे धीरे इस राज को खोला गया। पुलिस के आला ऑफिसर निकम्मे हैं, लेकिन पुलिस में ड्राइवर की नौकरी करने वाले साधु अपनी बुद्धिमत्ता से गब्बर को ढूंढने की कोशिश करता है और बहुत नजदीक पहुंच जाता है। इस ट्रैक को मूल कहानी के साथ खूबसूरती से लपेटा गया है। फिल्म में दो दमदार किरदार दिग्विजय पाटिल और CBI ऑफिसर कुलदीप पाहवा की एंट्री से नए उतार चढ़ाव आते हैं। दिग्विजय से गब्बर को पुराना हिसाब चुकता करना है तो गब्बर को पकड़ने के लिए कुलदीप जाल बिछाता है। फिल्म अच्छाई बनाम बुराई के सरल ट्रैक पर चलती है। आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन निर्देशक कृष का प्रस्तुतिकरण फिल्म को बचा ले जाता है। उन्होंने फिल्म की गति तेज रखी है ताकि दर्शकों को सोचने का वक्त कम मिले। साथ ही बीच बीच में ताली पीटने और सीटी बजाने वाले सीन उन्होंने रखे हैं, जिससे न केवल फिल्म में रुचि बनी रहती है बल्कि मनोरंजन का डोज भी लगातार मिलता रहता है। दिग्विजय पाटिल जैसे शक्तिशाली आदमी के घर वह ऐसे घुस जाता है जैसे खुद का घर हो। ताज्जुब की बात यह है कि दिग्विजय के घर एक भी आदमी नहीं रहता। गब्बर कैसे अपनी टीम खड़ी कर लेता है इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जबकि इसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता रहती है। श्रुति हासन का किरदार ठीक से नहीं लिखा गया है। श्रुति और अक्षय के बीच का रोमांस निर्देशक और लेखक ने अधूरे मन से रखा है। अक्षय की उम्र तब अचानक बढ़ जाती है जब वे श्रुति के साथ होते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों की तरह लाउड है, जिसमें गाने कहीं से भी टपक पड़ते हैं। चूंकि मनोरंजन का पलड़ा खामियों के पलड़े से भारी है, इसलिए फिल्म अच्छी लगती है। अक्षय का किरदार लार्जर देन लाइफ है, इसलिए लटके झटकों के साथ दर्शकों को खुश करने वाला अभिनय उन्होंने किया है। सिस्टम बच्चों के डायपर जैसा हो गया है, कहीं से गीला और कहीं से ढीला, ऐसे कुछ दमदार संवाद उन्होंने बोले हैं। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले वरना गब्बर आ जाएगा। अब गब्बर का PWD चलेगा, पावर वाला डंडा। सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता। अब तेरा क्या होगा कालिया? श्रुति हासन खूबसूरत लगी, लेकिन उनके किरदार को फिल्म में बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है। उनका अभिनय ठीक ठाक है। बुद्धि के रूप में मशहूर सुनील ग्रोवर ने गंभीर भूमिका बेहद कुशलता के साथ निभाई है। गानों में तेरी मेरी कहानी ही सुनने लायक है। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे। सिनेमाटोग्राफी खास नहीं है, संपादन ढीला है। कम से कम 15 मिनट फिल्म को छोटा किया जा सकता है। खासतौर पर क्लाइमेक्स में अक्षय द्वारा की गई भाषणबाजी को संक्षिप्त करना अति आवश्यक है। गब्बर इज बैक दक्षिण भारतीय फिल्मों की तरह है।
जिसमें लाउड ड्रामा, धमाकेदार हीरो, भारी भरकम डायलॉग्स, तेज बैकग्राउंड म्यूजिक, धांसू फाइट सीन जैसे मसाले हैं जो दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।